गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? सुबह का समय है और देखो मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। बिट्टू ए बेटा, चलो उठो उठो, तुरंत उठो, उठ जाओ। देखो उठ गई एक बार में। चलो ब्रश वगैरह करो, चल बेटा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पर नाश्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखो गोभी की सब्जी बना रही हूँ इधर। और पापा मम्मी के लिए ओट्स बनाऊंगी। ये देखो, इसको उठाई थी ना अभी, यहाँ बैठ करके पहले 5 मिनट तो सो गई है, उसके बाद यहाँ अपने दादू का मोबाइल देख रही है। ब्रश करो, चलो उठो, चलो। ठंडी का दिन है तो और ज्यादा आलसी कर रही है। और अब मेरी बेटी ब्रश करना स्टार्ट कर दी है। और जब मेरी बेटी ब्रश वगैरह कर लेती है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि इसका स्कूल मॉर्निंग में 11 बजे से रहता है। तो सुबह 1-1.5 घंटा कोशिश करती हूँ कि इसको पढ़ा ही लूँ। तो पहले तो खुद पढ़ रही थी और उसके बाद मैं इसको थोड़ा देर पढ़ाती हूँ, क्योंकि इसका एग्ज़ाम चल रहा है, वीकली टेस्ट। हर मंडे को एग्ज़ाम रहता है, मंडे और थर्सडे को। तो वही मैं इसको समझा रही हूँ। और यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह सब कुछ बना ली हूँ फ्रेंड्स। और मेरी बेटी यहाँ बालकनी में, जहाँ धूप आता है ना, वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही है। उधर ठंड लग रही थी तो नहीं, यहीं बैठूँगी बोली, स्वेटर पहन लो, तो मना कर दी कि उतना भी ठंड नहीं लग रहा है। तो ये कर्म कारक हो गया, कुछ दिया नहीं है, देखा तो ये समझ गई ना, बस यही तेरे को कल भी बोली थी मैं समझा दूंगी, अब समझा दी हूँ मैं। ये वाला एक बार रीड कर लो, ये कर लो, और वो लगभग भी करो। उसके बाद अभी टाइम है 45 मिनट, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करके बड़ा काटा दो के जाएगा, उसके बाद एक्टिविटी वाला करो, ठीक है? चलो बेबू बेबू, चलो उठो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, चलो उठ जाओ, उठो उठो, चलो जल्दी उठो, उठो बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग बेटा, इधर देखो, इधर देखो, हेलो करो, हेलो। मेरा राजा बेटा, ऐसे ऐसे सटा जब मेरा बेटा ब्रश वगैरह कर लेता है, उसके बाद उसका पहला काम है दूध पीना। और दूध पिएगा तो मोबाइल देख करके ही दूध पिएगा, बिना मोबाइल का तो दूध पिलाता ही नहीं है इससे। और यहाँ पे मेरी बेटी भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद इसको यहाँ नाश्ता वगैरह कर रही है और दूध भी पिएगी। और लेट भी हो रहा था तो जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी करूं। और अब मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए यहाँ तैयार हो चुकी है। मैं पूजा कर रही थी तो यहाँ पे बार बार आवाज़ दे रही थी, मम्मा आ जाओ, चोटी कर दो, चोटी कर दो। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी का चोटी कर रही, thank you.
देखो पीछे से आ रही है मेरी बेटी। और अब हम लोग बस स्टॉप के पास आकर के यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। बिट्टू भाई आ गई है मेरी बेटी की बस। मम्मा जल्दी। तो फ्रेंड्स ये देखो अब मेरी बेटी की बस आ गई है और सारे बच्चे अब स्कूल बस में बैठ रहे हैं। नहा लिया है पूरा, बाल जैसे तैसे कर दिया बेटा, गंदी बात नहीं करते नहीं करते। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 11:10 हुआ है और अभी मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई हूँ स्कूल से और मैं पूजा कर ली हूँ उसके पहले। अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। आपको नाश्ता करोगे और नाश्ता करोगे? नहीं क्यों, पेट भरा है। गाने हा? गाना गाने मम्मी भी नहीं जानती, जानती नहीं जानती तो रही हूं। कहां आता है मेरे दो आता है एक बार वो सुगना वाला आता है। कौन सुगना? बोलते है ना कि उस पर सुगर केलवा पार्लैंड गुदा से सुगा बना रहा वो वाला आता है। दीदी साहब गाती थी छठ में और एक तो जो बासा के मसी एक शादी गीत में रखे आता है। चोरा है फूटल कन्या है, थरवा है फूटल कन्या, चोरा है टूटल कन्या है, कैसे चुमाइये कन्या है। वो जो पतिया लेके चलता है सेव वाला नहीं, जब आते हैं ना जो आते हैं दुल्हन लेके आते हैं तो दुल्हन को गाली देते हैं ना ऐसे करके औरत है वो। तो फ्रेंड्स हमारे घर मौसी जी आए थे, अभी चले गए हैं। जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से छोड़ कर के आई और फिर मैं नाश्ता करी उसके बाद तुरंत मौसी जी आए थे और अभी चले गए हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को दिखाई अपने बच्चों का मॉर्निंग रूटीन। बहुत कुछ छूट भी गया क्योंकि हर जगह कैमरा लेकर के जाना याद ही नहीं रहता था। और आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है, तो मेरा बेटा का छुट्टी था इसी वजह से उसका नहीं दिखाई। बाकी अपनी मेरी बेटी का स्कूल था तो उसका मैं आज आप लोग को दिखाई हूँ। तो हमारा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा बताना फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।